हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा कि गांव में क्या मस्त मौसम हो रहा है, और एक छोटा सा गोल भी आ गया था भावना जिससे डर गई थी, बट काफी मजे लिए उन्होंने गाँव में। और आजकल मौसम तो बहुत जबरदस्त हो रहा है, यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है, आप देख ही रहे हो। हाल ही में एक दो दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद से बहुत अच्छी है मौसम। तो देखते हैं आज गांव का वेदर कैसा हो रहा है और गांव में क्या एंजॉयमेंट चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग उन पहाड़ के सीन वादियों से। आप ऐसे ही बने रहिए आपके अपने चैनल बैक टू पहाड़ पे और एंजॉय करते रहिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैक टू पहाड़। तो आज की शुरुआत करते हैं हेमोरों की विदाई के साथ। यहाँ विदाई हो रही है इन लोगों की, जा रहे हैं ये आज बागेश्वर अपने घर। तो टिक पिठिया हो रहा है यहाँ पर, पिठिया लग रहा है सबको, जो हमारी परंपरा है वो चल रहा है। करने के लिए रेडी हो गए हैं अंकल जी। और हंस भी रही है। ये हो गया है ठीक पिठिया, सब जाने के लिए हो गए हैं रेडी। ये हो गया है तैयारी जाने की। यहाँ पर बहुत तोड़ना करना है, बना रही है हमारा, वो आज भेज देगी। चलो छोड़ने जा रहे हो डुकू? हाँ, ये सारे लोग जाने लग गए हैं। यहाँ पे ऐसे जो भारी सामान होते हैं उनको सर पे रख के ही लेके जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते थोड़े ख़राब होते हैं, फिर ट्रॉली बैग वगैरह चला के ले जाने में नहीं कंफर्टेबल होते हैं, तो ऐसे ले जाना पड़ता है। अम्मा क्या हुआ? ये हमारी अम्मा रो रही है, हेमो गले मिल रही है। तो अम्मा के लिप्स यहाँ देखो, ये अम्मा ने विदाई के आंसू निकाल दिए, तो अब विदाई कंफर्म है, अब जाना ही पड़ेगा। और ये नीतू डोरा ये लगे गए हैं। अच्छा, बाकी से जा रहे हैं क्या? ये कौन है अम्बी बुआ? किन्नर? हाँ, वो यहाँ रखी, अभी आएगी हमें मिलने के लिए। अच्छा, अरे अम्मा देख रही है हेमो को, इनकी विदाई हो गई है, अब ये लोग आएंगे दो तीन दिन में वापस। आंटी अंकल वहीं रहेंगे और हेमो वापस आएगी, तो हम जाएंगे पहले वहाँ, फिर हेमो को साथ में लेके आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे मान लो। मतलब बहुत जगह जाना है हमें इधर उधर। क्या बोल रही है अम्मा, क्या बोल रहे थे? और फिर वो पाव पन वो दीन है गए ना, रात को क्या बोल रहे थे? तो भाई हजरत तो कम थी क्या? भल है जाने नहीं, भल है जाने नहीं, मेरे को भगवान तुम ठीक कहे है, भला है ये, भला लागने हो गए। वो लोग भगवान है, पर जो दीन गए हो खिचड़, तो गजर में गई उठा कचरू उठान हो, मेरा कचरू ने कर सब इत गए घाघर देश लाल कपार जैसा पहने रहे, इतना मेरा रफाली नहीं कर मरा है, और जो मुंडा हो गया है क्या धागा चेना अच्छा मुझे मेरा भगवान से। और एक दिन में भटे सिंह शुरू खाते में क्या बिहार बैठे हुए इतना
फिर बिहार में तो छेव जब मेरे मुखर पर ये भूल जाती तो भाई भले ही एक शेरा बीस घंटे चाले में आ ही नहीं खुल तो मैं हाथ जोड़ो ना को करवाई तो भगवान ने भी गलती और उस दिन में बिहार शहर तो भगवान ने से ही पति उठा एक माँ बेटी है हमारे लखनपुर मंदिर ना हो चेतन कैसी घर चलानी और वन सब करनी मैं बढ़िया छो बड़ा भारी मकान से हुई मठ जराशी में यो मठ और नहा छो पर और मेरे सासुर को तू दूसरा तुल पान धन किए नहोंगे वो तो कर दूसरा देर पानी तब तू पिए और ये तू लाल का पड़ पंडित धन दे ये पाँच दिन पहले छो है ही कबाड़ धन धन दे दे ढका के हो तो सुनी है आज भला लागो नहीं है हम कर देगा आपको बड़ी बात रही है पंच बजे जंगो पाई रही है सब छः बजे हम घाघ उठा ली गए रहने को फिर भैंस बाजी है फिर मैं जान लगे तो जी गए भैंस फिर में किसको देके चले गए तो निजी बात है वो मधुर खीरी में उन्होंने जीव बाहर तब भगवान ने मेरा एक नंबर सार करो मेरा जी बोले ठाव सुन गए हाथ जोड़ने ये अम्मा ने बताई कुछ बातें तो इसका मतलब था अम्मा ये बता रही थी कि गांव में कैसे हम पहले रहते थे पहले क्या क्या था और कौन सा घर हमारा था जिसमें मैं रही और फिर गाय भैंसे दिल्ली जाते टाइम मैंने गाय भैंसे किसको दी अम्मा ने सब बताया अभी और कैसे अम्मा यहाँ से दिल्ली को गई और अम्मा ने कहा अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए जो अम्मा ने कहा हम करते हैं तो फिर अपने पास आ जाती है तो मतलब घमंड किसी का नहीं रहा तो घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को लेके वो चले पायरनी है एक सब अब अम्मा बता रही है अपने जंगल की बात कि कहाँ कहाँ से कहाँ तक हमारे लिए थे और कितना काम करते थे पहले जंगलों में खेतों में हम कर दे रहे आप बाजू पास नहीं रहे अम्मा गहन सोच में डूबी हुई है कुछ कुछ सोच सोच के बता रही है अपनी पुरानी बातें स्तुति आ रही है और स्तुति के आने के लिए तैयारी चल रही है स्वागत के लिए तो छोटी सी एक तैयारी की है दिखाती हूँ ये स्तुति के वेलकम के लिए टीका चंदन और ये रखा हुआ है मिठाई रखी हुई है और थोड़े से फूल रखे हुए हैं अम्मा टीका लगाएगी और मिठाई खिलाएगी फिर बहू घर में आएगी जैसे कि तैयारी चल रही थी अभी मेरी स्तुति के आने का मैं थोड़ा स्वागत के लिए तैयारी कर रही थी तो अब दिखाती हूँ आ गए हैं ये लोग क्या हुआ सिसोन लग गया ओहो कैसा लगा मार्केट में आज सिसोन तो लगना भी चाहिए तभी तो पता चलेगा सिसोन होता क्या है ठीक है मम्मी भी हमारी सामान लेने गई थी अभी नीचे बहू को लेने गई थी मम्मी ये आ गए हैं लोग ये नमस्कार हालत आई आप देख सकते हैं मुझे मैं घर से कैसे निकली थी और अभी कैसे हो गई हूँ देखा क्या चीज पकड़ रही हूँ सही मुझे मिठाई आ गई है स्तुति अब और अम्मा भी रेडी है वहाँ पर स्वागत करने के लिए तो देखते हैं फिर आगे कैसे स्वागत करते हैं नई बहू का अम्मा जी हमारी अम्मा आ जाओ यार जल्दी अब आ जल्दी यहीं रुको भाई यहीं रुको ये अम्मा अब थोड़ा नई दुल्हन का टिक पिटिया कर रही है अभी अभी एंटर हुई है अंदर अम्मा तो ज्यादा नाम करने पे लगी जाती अरे अम्मा अपनी का लगाएगी अपनी दीदी वीडियो
अम्मा ने टीका लगा दिया अम्मा ये चलो अम्मा ने टिक पिटिया कर दिया है स्वागत कर दिया है दुल्हन का ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आपसे कि कौन है, हैं? ये ले पेपर का। गाइस अम्मू मुझे लिटरली पेपर का पता नहीं है बट ठीक है मैं मिठाई खुद से निकाल के खा लेती हूँ। कहाँ लगा था वो बताओ। गाइस मैं शिशा इधर लगा था। मामा ने कहा कि नोजी लगा दे अपनी उससे सही हो जाएगा। तो फिर ठीक हुआ? फिर आपने लगाई? लग दिखा फिर ठीक हुआ? ठीक हो रहा है? दिख कहाँ लगा था? अच्छा तो अभी कम हुआ नोजी लगा के? अब हैंड वॉश भी करो। जैसे कि मैंने दिन में बताया था कि स्तुति आ गई है उसका स्वागत किया हमने अम्मा ने मतलब टीका ही का लगाया उसके बाद हमने लंच वंच किया लंच करके हम सो गए थे और अभी उठे हैं। अभी उठने के बाद अब हमने चाय पी ली है। चाय पीने के बाद अब शाम की तैयारी हो रही है और ये हमारी अम्मा जी वॉक कर रही है यहीं पे ही तो अम्मा का चल रहा है और आज हम नीचे नहीं जा रहे हैं सब घर में ही रहेंगे घर में ही काम हम करेंगे थोड़ा क्योंकि सारे लोग मम्मी पापा लाला भी शादी में गए हुए हैं आज महिला संगीत है बुआ की लड़की का तो वो वहाँ गए हैं तो आज हम तीन चार लोग हैं गिनती के घर में तो हमने अपना ही खाना बनाना है। उनकी तैयारी भी स्टार्ट हो गई है खाना सब्जी अभी चढ़ा दी है अभी अरबी उबालने के लिए रख दिया है हमने आज हम अरबी की सब्जी बनाएंगे। सब्जी क्योंकि मैं आई हूँ तो मैंने ये सोचा थोड़ा बहुत आराम तो दे देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आराम मिल रहा है मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। आज पता है सबसे अच्छी चीज़ तो अम्मा ने मुझे इशारों दीदी कहती है ठीक है चट मैं दीदी किचन की तरफ जा रही हूँ अम्मा मुझे इशारे में कह रही तू बैठी रह कोई बात नहीं सबसे बेस्ट तो वो था। डोरा का क्या चल रहा है? अच्छा आ रहा है मेरा गाइस नेट बहुत अच्छा आ रहा है काम हो जाएगा मेरा। डोरा क्या चल रहा है क्या पढ़ाई चल रही डोर? बैकवर्ड काउंट। हां बैकवर्ड काउंट। ओके अच्छा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बैक काउंटिंग डुगो क्या हो रहा है? बस डुगो अपने ढोल को बहुत मिस कर रहा है तो उसने दो झाड़ू की तिल्लियां लेके बस ढोल बजाना चालू कर दिया है। घर में ढोल की लाइन लगी थी यहाँ इसके पास एक भी ढोल नहीं है तो ये देखो मैंने को मेरे खाने की तैयारी हो रही है ये अरबी छील रही है स्तुति दी लाइट दिखा दी ऊपर उमेश ने स्पेशली मेरे लिए लगवाई है। ओह माय गॉड इस लाइट के बिना तो मान नहीं रहते क्या ये लाइट लगवाई है यहाँ पर लगाई है जब गंदी होगी स्तुति ने साफ करनी हाँ स्तुति ने साफ करनी है इसीलिए लगवाई है ये क्योंकि भाभी नहीं कर रही थी भाभी ने कहा था भाभी को लाइट्स लगवाए। डोरा की पढ़ाई आज खत्म हो जाएगी आज की डेट में डोरा अब हमने खाना ना खा लिया है और पापा मम्मी लाला तीनों लोग आ गए हैं बुआ के घर से और अब कर रहे हैं सोने की तैयारी तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।